अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान हैदर और आज मैं आपको लेकर आया हूं बिल्ला देसी मोड शॉप के ऊपर। तो भाईजान, ये 25 साल पुराना सेटअप है, तो इसके बारे में एक्सप्लोर करते हैं, इनके ओनर से बात करेंगे और इनका जो देसी मुर्गा है उसको टेस्ट करेंगे और आपसे शेयर करेंगे। आपने सिर्फ ये करना है, आपने लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अरसलान भाई, ये बिल्ला देसी मुर्ग शॉप जो है जी, कितना पुराना सेटअप है ये? ये भाई 25 साल हो गए। 25 साल हो गए जी। अच्छा, इसे स्टार्ट किसने लिया था? ये मेरे उस्ताद थे, उनकी शॉप ही है। सही, मैं उनका शागिर्द हूँ। सही सही, ठीक है। तो मुझे तकरीबन 16 साल हो गए उनके पास काम करते हुए। सही। तो उनकी अभी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो शॉप पर नहीं बैठते हैं। सही सही। तो उन्होंने मुझे बिठाया हुआ। तो ये उनका नाम बिल्ला था, बिल्ला कैसे पड़ा है शॉप का नाम? ये भाई उनका बस वैसे प्यार से बिल्ला बिल्ला बनाते थे। सही। तो उनने शॉप बनाई हुई थी, उसके साथ ही फिर बिल्ला शॉप वाला बन गया। अच्छा, उनको प्यार से बिल्ला बुलाते थे, बन गया साथ ही। सही सही, बिल्ला देसी मुर्ग। हाँ जी। अच्छा, आपको याद है जब देसी मुर्ग स्टार्ट लिया था आपने 25 साल पहले, यानी 1999 में जी, तो उस वक्त कितने की प्लेट सेल करते? कस्टमर से ही सुनते थे। सही। 5 रुपए की प्लेट दे रहे थे, 7 रुपए की भी देते थे। सही। पहले पहले जो था जब स्टार्ट किया था। सही। तो उससे बाद फिर ऐसा ऐसा जैसे महंगाई बढ़ती गई, रेट भी बढ़ता गया। सही सही। तो अभी तक तो आपको पता है मुल्क के हालात कैसे हैं। सही। फिर भी बेहतर है, काफी काफी शॉप से बेहतर है हमारा रेट। अच्छा, ये जो देसी मुर्गे हैं जी, देसी मुर्गे, इसकी तो 3-4 किस्में होती हैं। हाँ जी, होती। तो वो किस्में भी बताएं और ये बताएं कि आप कौन सी किस्म यूज करते हैं। भाई एक होती है मियां वाली से। सही, ठीक है। एक होती है फार्म में पलती है। सही है। एक होती है मिश्री। मिश्री, ठीक है। हम मिश्री नहीं इस्तेमाल करते, हम जो फार्म में पलती हैं जी जी वो करते हैं। मियां वाली की जो सी होती है ना जी जी, वो भाई थोड़ी लेट कम यूज होती है। सही, ठीक है। वो जल्दी मिलता भी नहीं है। सही। आपको तो रूटीन में चाहिए होता है ना? हाँ, मेरे रूटीन में चाहिए होता है, हम इसलिए फार्मी लिख के भी लगाया हुआ भाई, फार्मी है हमारे पास। सही सही, ठीक है। बाद में कोई लोग होते हैं वो कहते हैं ये झूठ बोल रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, वो कोई चक्कर नहीं है हमारा। सही। आप बता के सेल करते हैं? हाँ जी, बता के सेल कर रहे हैं। सही भाईजान, प्राइसेस क्या क्या रहती है आपकी? भाई प्राइस हमारा फुल 700 रुपए का, आप 350 का। सही। सिंगल 180 का। सिंगल 180 का, उसमें एक होता है पीस? हाँ जी, एक पीस होगा और हाफ में 2 पीस हैं। सही। फुल में 4 पीस हैं। फुल में 4 पीस है जी। सही। अच्छा, ऐसी क्या खास बात है कि लोग इतना पसंद करते हैं आपको? भाई ये यखनी है। यखनी होती है जी। सही। यखनी की वजह से लोग भाई इतने लाइट मसाले नहीं है, तेज मसाले नहीं है हमारे। सही सही। कम मसाले हैं, ये काली मिर्ची ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और कौन कौन से मसाले रहते हैं इसमें? भाई इसमें 12 मसाले पूरे डलते हैं। 12 मसाले पूरे डलते हैं। हाँ जी। कुछ 7-8 का नाम बता दें भाई। जवतरी है, जाफल है, लौंग है, उसके बाद जीरा है, दालचीनी है। सही। अच्छा, और इसके अलावा? और काली मिर्च में तैयार होता है? हाँ, ये काली मिर्च में तैयार है। सही यार, तू बोटियां दे ट्रे लाया हो यार। अच्छा, डिलीवरी ऑप्शन क्या रहता है आपके पास? डिलीवरी ऑन डिलीवरी नहीं है हमारे पास, ही कस्टमर आते हैं वो ही ले जाते हैं। हाँ, ये राइड वाले ले जाते हैं, वो इन ड्राइव या इन ड्राइव वाले वगैरह या यंगो वाले आते हैं वो ले जाते हैं हमारे पास। सही। कस्टमर खुद ही बुक कर लेते हैं, खुद ही वो ले जाते हैं। अपने पास ज्यादा रेगुलर कस्टमर आता है या? नहीं नहीं, रेगुलर वॉक इन पे? नहीं नहीं, रेगुलर रेगुलर ज्यादा हमारे कस्टमर पक्के हैं। सही। तो ऐसा कस्टमर भी है जो शुरू से खा रहा हो 18-20-25 साल? काफी ऐसे हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, वो कहते हैं हम बचपन से इधर से ही खाते रहे। सही। अभी तक भी वो आते हैं, हमें बताते हैं। सही। आपके उस्ताद की बातें बताते हैं हमें। सही सही। क्या बातें बताते हैं उस्ताद की? ये ऐसे वो पहले बोंग लगाते थे। सही, ठीक है। वो बोंग की बहुत तारीफ करते थे। सही। तो बोंग तो मैंने भी सीखी है, बनाई है, बेची है। सही। तो उस्ताद नहीं ना बैठते, इसलिए फिर बोंग छोड़ दी हमने। सही सही जी। अभी सिर्फ आपके पास देसी मुर्गा? हाँ, अब देसी चिकन होता है हमारे पास। देसी चिकन होता है जी। अच्छा, टाइमिंग क्या रहती है, कितने से कितने तक होता है? भाई टाइमिंग सुबह 5 से लेकर रात 8-9 बजे तक। सही, ठीक है। रश का टाइम होता है सुबह 8 से लेकर 11 बजे तक। सही है। उससे बाद फिर 12 से लेकर 3 बजे तक रश होगा? हाँ, रश होगा। उससे बाद फिर 6 से लेकर 9 बजे तक, 6 से 9 तक रश होगा, रश होता है। सही। हफ्ते में कितने दिन लगाते हैं? हफ्ते में हम 6 दिन लगाते हैं, इतवार को लगाते हैं सुबह 5 से लेकर 10 बजे तक। बस बस। सही। ये क्या वजह है कम टाइम? इतवार तो ज्यादा होता है ना? ये होता है अभी बाद में लड़के भी जो होते हैं वो फ्री होकर अपना काम कर लेते हैं। सही सही। कहीं घूमने भी जाना होता है किसी ने तो वो चले जाते हैं। सही हो। इसी तरह उनकी छुट्टी भी नहीं होती। सही।
अच्छा एड्रेस क्या है, एड्रेस समझा दें यार। एड्रेस हमारा इधर से आएंगे तो न्यू नारकली है, बारिश ने हरियाले के पास। सही, ठीक है जी। अगर इधर से आएंगे आप तो उर्दू बाजार है, उर्दू बाजार में अंदर एक तरफ आपको उर्दू बाजार लगता है, एक तरफ नारकली। हाँ, एक तरफ से नारकली लगता है। सही, और मैप पे भी अवेलेबल है आपका जी? देसी मुर्ग। हाँ, देसी मुर्ग, बिल्ला देसी, बिल्ला देसी चिकन मुर्ग। सही होगा। देखने वाले को क्या मैसेज देंगे? देखने वाले को आए एक दफा ट्राई करें, इंशाल्लाह आप खुद ही बोलेंगे कुछ चीज खाई है, अच्छी चीज, मजा आया खाने में। हाँ जी, प्राइस अच्छी है हमारी, इतनी प्राइस नहीं है। सही जी भैया, लगा दे हमारा। ठीक, ये हाफ प्लेट लगाएंगे जी भाई? ये हाफ प्लेट हो। सही है, ये चेस्ट है, चेस्ट आ गई है जी। सही हो गया। और ये आएगा शोरबा? ये यखनी हो गई, शोरबे वाली, शोरबे वाली। सही हो गया। इसकी प्राइस ये आप 350 के? हाँ, 350। और ये मसाला है, मसाले में क्या क्या रहता है? ये जो ऊपर से काली मिर्च है, सिर्फ काली मिर्च है? हाँ, सिर्फ काली मिर्च। सही हो गया। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये लग के आ चुका है हमारा कुलचा, और गर्मा गर्म कुलचा। और लेडी फर्स्ट हम इसकी बाइट लेते हैं, और ये लगाएंगे हम इसको शोरबे। ओहो, सबसे पहले हम इसका शोरबा टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद चिकन के पीस को ट्राई करेंगे। इसको अच्छी तरह से आपने डिप करना है ताकि जो शोरबा है वो इसके अंदर यकजा हो जाए नान के अंदर, नान के अंदर वो फ्लेवर आए और फिर आपको मज़ा आए, फिर आपको पता चले कि ये इसका असल फ्लेवर क्या है, कितना मज़े का ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भाजी बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा ही कमाल का। इसके अंदर है स्पाइसी है, लेकिन इसका जो फ्लेवर है ना वो असल, क्या ही बताऊँ कि कितना मज़ेदार है। तो शोरबा जो है ना इसका मतलब, ये यखनी के अंदर बना हुआ है और इसके अंदर 12 मसाले बनाए हैं, 12 मसाले डाल के बनाया गया। प्राइस इसकी 350 रुपये है, जो इसका अपना हाफ प्लेट है। तो अभी अब हम इसकी जो है वो दूसरी बाइट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी इसकी जो बाइट है वो हम बनाएंगे चेस्ट पीस के साथ। ये है जी देसी मुर्ग, बिल्ला देसी मुर्ग, और ये जी ओहो बड़ा ही टेंडर है, फुल गला हुआ है बिल्कुल। हालांकि ये जो देसी मुर्ग होता है ना ये थोड़ा सा हार्ड होता है, फुल गला हुआ है। ये इस तरह से पीस लेके फिर हम इसके अंदर डिप करेंगे शोरबे को, अच्छी तरह से डिप करके। तो लेडी वजन से हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्ला देसी मुर्ग, कमाल टेस्ट है, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ना इसका जायका। और जब आप किसी को जायका डिलीवर करते हैं ना तभी शॉप्स और सेटअप जो है वो लंबे अरसे तक चलते हैं। तो देसी मुर्ग शॉप जो है ये 25 साल से यहाँ पे कायम है। अगर आपने यहाँ पे पहले विज़िट नहीं किया तो आपने आना है देसी मुर्ग, बिल्ला देसी मुर्ग पे। इसकी जो लोकेशन है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आपने यहाँ पे विज़िट करना है। ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, बहुत ही अच्छा जायका है, बड़ा ही हाइजीनिक तरीके से है, और ये फार्मी देसी मुर्ग है। तो आपने अनार के एक तरफ, इसको अनारकली बाजार लगता है और एक तरफ उर्दू बाजार लगता है, उसके मिड में इनकी शॉप है। तो आपने यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना अगर आपने फार्मी देसी मुर्ग खाना है, फार्मी देसी मुर्ग, तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। और इसका जायका बहुत ही अच्छा है, आप एक बार टेस्ट करेंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए अब मैं इसको फिनिश करता हूँ, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।